23 जुलाई को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस बार का बजट कई मायनों में खास होने वाला है। बजट को लेकर केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालय से सुझाव मांगे हैं और इस बार ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। इन दोनों मंत्रालयों से खास सुझाव देने को भी कहा गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ग्रामीण क्षेत्रों में ही वोट कम हुआ था। बजट में साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों का भी ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा पीएम किसान योजना की राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। अभी तक किसानों को योजना के तहत साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। बजट में आयकर छूट की सीमा 5,00,000 तक की जा सकती है। कल पीएम मोदी के साथ नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों की बैठक में सुझाव दिए गए थे। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यह बजट 2047 तक विकसित भारत के रोडमैप पर आधारित हो सकता है। देखिए क्या क्या हो सकता है इस बजट में, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। हाउसिंग लोन पर नई छूट संभव है। अभी तक जो छूट मिल रही है होम लोन में, वो आपको नहीं मिलेगी। आगामी चुनाव पर भी नजर रहेगी, जो विधानसभा चुनाव है। किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी संभव है, हो सकता है कि उसे बढ़ाकर 10 या 12,000 रुपए कर दिया जाए। एमएसएमई पर विशेष ध्यान संभव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नया ऐलान संभव है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी ओर आकर्षित हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। Z News.